फ्रेंड्स, सुमा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम आपके लिए ऐसा चिकन लेके आए हैं जो कि आप एक बार बनाएंगे तो इस चिकन को हम बार बार बनाएंगे। तो आपके लिए हम लाए हैं चटपटा तीखा चिकन। तो और इसके लिए हमने आधा किलो चिकन ले लिया है और इस चिकन में हम जो जो चीज़ें डालेंगे वो चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे और साथ साथ बनाते रहेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। और हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो देखिए दोस्तों, जब तक हमारा तेल गर्म होता है, जब तक हम ये हमने खड़े मसाले निकाल लिए हैं, इसमें देखिए ये हमने 10-12 काली मिर्च ले ली है, 3 हमने इलायची ली है, ज़ीरा लिया है हमने और दालचीनी ली है देखिए, और ये हमने जायफल लिया है थोड़ा सा। तो ये हम सब चीज़ें जो हमारा हो जाएगा मसाला तो हम हमारा जब तेल हो जाएगा तो हम ये डाल देंगे उसमें। तो देखिए हमारा तेल हो चुका है और हम इसमें डाल देंगे और ये होने देंगे ज़रा। और देखिए 2 प्याज हमने ये चॉपर में काटी हैं और ये हमारा हो गया है मसाला, देखिए खड़ा मसाला। और अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और देखिए अब इसको प्याज को हम फ्राई करेंगे। देखिए अब इसको हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। प्याज हो गई, ये देखिए हमें ऐसे ही चाहिए प्याज। और अब इसमें हम ये हमने 2 टमाटर की प्यूरी बना ली है, आप प्यूरी बना सकते हैं या आप कद्दूकस से कस सकते हैं। तो हमने कद्दूकस से कसा है और ये हमने 3 से 4 मिर्ची ले ली है और इसे हमने 1 से 2 पीस कर लिए हैं। और अब ये हम इसमें डाल देंगे और देखिए मसालों में, देख लीजिए मसालों में 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, ये देखिए 1 चम्मच हम मिर्च डालेंगे और 2 चम्मच हम ये धनिया पाउडर डालेंगे और देखिए थोड़ी सी हम ये हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच हम ये कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ये मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डालिए, हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए, ये देखिए। और इसी में हम 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल देंगे, ये देखिए। और देखिए 1/2 चम्मच से कम हम ये काली मिर्च पीसी भी डाल देंगे और हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे, ये देखिए हमने भर के 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, ये भी डाल देंगे हम इसमें। अब इस मसाले को हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें, ये देखिए। और इस मसाले को अच्छी तरह से आप भून लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। हमारा मसाला देखिए भून गया है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिए आप, ये देखिए। और इसने तेल छोड़ दिया है, अब इसमें हम चिकन डालेंगे। देखिए चिकन हमने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया था और अब ये चिकन हम डाल देंगे। तो देखिए चिकन डाल लिया है और अब इसे मिक्स कर लेंगे हम, ये देखिए। देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसे क्या करेंगे, 5 या 10 मिनट हम इसे हल्की आंच में ढक के रख देंगे ताकि ये चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल जाए। और हल्की आंच में रखेंगे, ये देखिए हमने इसे ढक के रख दिया है 5 मिनट या 10 मिनट के लिए। आप 5 मिनट के बाद इसे खोल के देखना, अगर आपका चिकन नहीं गला है तो आप इसे 5 मिनट और रख देना तो चिकन हमारा परफेक्ट बिल्कुल गल जाता है। और अब बीच बीच में खोल के देखते रहना आप। तो आइए दोस्तों, अब जब हमारा 5 मिनट बाद खोल के देखते हैं हम, फिर हल्की आंच करना। अरे 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से, बहुत परफेक्ट तरह से गल चुका है, ये देखिए। और अब इसमें हम तेज़ आंच करके इसे हम भूनेंगे, ये देखिए अब तेज़ आंच करके हम इसे भून लेंगे पहले। तो ये देखिए हमारा ये चिकन भून रहा है और इसमें 1 चम्मच हम भर के ये चिकन मसाला डाल देंगे और इसे हम भूनेंगे अच्छी तरह से और फिर हम आपको दिखाते हैं। और देखिए इसी में ये 1/2 चम्मच हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे, ये देखिए 1/2 चम्मच हमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे इसी में और ये हमारा चिकन भून रहा है, अच्छी तरह से भून गया है, ये देखिए इसने तेल छोड़ दिया है। और आप चाहें तो ऐसी डिश आउट करके दिखा सकते हैं, ऐसी सर्व कर सकते हैं और
आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, भुना भुना रख सकते हैं। तो हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो हम देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये देखिए हमने आधा कप पानी डाल दिया है और अब इसे हम एक उबाल आने देंगे। ये देखिए और एक उबाल आने देंगे, फिर बस हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा चटपटा तीखा चिकन बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देख लीजिए आप। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और एक नई रेसिपी के साथ फिर हम हाजिर होते हैं। थैंक यू दोस्तों।